सारा कॉपी जो आपने किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली
एक और होता है, जैसे कि आप विंडोज के साथ भी दबाएंगे तो आपका यहाँ पे हिस्टोरिकल हिस्ट्री ओपन होगी, आपने क्या क्या कॉपी किया, क्या क्या पेस्ट किया, इधर पे सब रिकॉर्ड रखती है क्या इसके पहले क्या कॉपी किए थे। हम बेसिकली कुछ भी कॉपी करते हैं तो वो एक बार पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी से तो वो हट जाता है, उसके बाद वापस कॉपी करते हैं तो वो दूसरा सेंटेंस जो कॉपी किया वही आता है। तो इस तरीके से आप अपने विंडो प्लस भी प्रेस करेंगे तो आपकी हिस्टोरिकल कीबोर्ड ओपन होगा जहाँ पे आपका सारा कॉपी करा हुआ डेटा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड रहता है। तो यहाँ से आप इस्तेमाल करके अपना कॉपी के पेस्टिंग वाला काम इजीली कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, ये भी बहुत से लोग नहीं जानते। उसके बाद जो अगली ट्रिक है, आप बहुत कंप्यूटर में टाइपिंग करते होंगे, चैटिंग करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे, तो आपको इमोजीज का कीबोर्ड का मालूम नहीं होगा कि इमोजीज कैसे ब्लाइंड इमोजीज का कीबोर्ड इमोजीज डाल के भी आप मैसेज करना चाहते हैं। तो इमोजीज का कीबोर्ड लाने के लिए आप विंडोज पर सेमी कॉलम दबाएंगे तो आपका यहाँ पे विंडो इमोजीज का ऑप्शन ओपन होगा, इमोजीज का कीबोर्ड ओपन होगा। यहाँ से आप अपने इमोजीज आसानी से सेंड कर सकते हैं। मोबाइल में बहुत इजीली मिल जाता है, बट कंप्यूटर में कहाँ पे इमोजीज का कीबोर्ड है ये नॉलेज नहीं होती लोगों को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडोज पर सेमी कॉलम और इमोजीज कीबोर्ड इन कंप्यूटर। और इसके बाद जो आखिरी क्लास ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल भी है, अगर आप सपोज काम कर रहे हो कुछ कंप्यूटर में, सपोज बहुत सारे फाइल ओपन हुए जैसे एक्सेल एंड क्रोम वगैरह, वर्ड, आप जो काम कर रहे हो सब ओपन है डेस्कटॉप और आपको इमीडिएटली कहीं जाना पड़ता है, तो आप विंडो प्लस ट्रिक की मदद से अपनी स्क्रीन को लॉक करके जा सकते हैं। आप कीबोर्ड से विंडो प्लस एल प्रेस करिए तो आपका डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा, फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, विंडो प्लस एल। विंडो प्लस एल का इस्तेमाल स्क्रीन लॉक करने के लिए होता है, तो आप इस तरीके से स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक, उसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं इसमें से कौन सी ट्रिक आपको मालूम।